नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर पुलिस स्टेशन में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस की ओर से एक बहुत बड़ी, जिसे कामयाबी कहा जाए, वो मिली है। 25 के करीब मोबाइल जो चोरी हुए थे वो बरामद किए गए हैं। मैं अपने पीछे आपको बता दूं कि ये देखिए मेरे पीछे, ये देखिए, ये 25 के करीब ये मोबाइल थे उधमपुर SHO रघुवीर सिंह और उनकी टीम द्वारा ये मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये देखिए ये पीछे ये मोबाइल है, ये 25 के करीब ये मोबाइल, और 3 लाख रुपये इनकी कीमत बताई जा रही है। 3 लाख रुपया ये मोबाइल दिया जा रहा है उन लोगों को जिनके ये मोबाइल चोरी हुए थे। मैं फिर ये बता दूं आपको कि पहले भी कई चोरियां बरामद की गई हैं पुलिस की ओर से, चाहे वो चोर हो, चाहे नशा तस्कर हो, चाहे वो पशु तस्कर हो, उन पर पुलिस की ओर से शिकंजा दिन व दिन कसता जा रहा है। ये मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये देखिए ये सभी लोग, ये सभी वो लोग हैं जिनके मोबाइल चोरी हुए थे, उन लोगों को ये मोबाइल दिए जा रहे हैं। देखिए काफ़ी कार्रवाई रहती है और कार्रवाई के बाद ही ये मोबाइल वापस दिए जाते हैं। मैं फिर ये बता दूं आपको कि ये देखिए पीछे, और ये उधमपुर SHO रघुवीर सिंह जी हैं ये। मैं फिर आपको ये बता दूं कि कई बार इनकी ओर से पशु तस्करों पर, नशा तस्करों पर और चोरों पर, खासकर चोरों की मैं बात करूंगा, चोरों पर काफ़ी नकेल कसी। मेरा मोबाइल हुआ 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले रिपोर्ट आपने थाने दर्ज करवाई? हाँ, थाने करवाई। आज आपको वो मोबाइल वापस मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है कि उधमपुर वाले SHO साहब ने बहुत अच्छा किया कि जो हमारा मोबाइल था मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे उधमपुर पुलिस के लिए? मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस। अच्छा काम कर रही है। ये देखिए, ये रजनी जी थी और इनके द्वारा उधमपुर SHO का धन्यवाद किया जा रहा है। और मैं फिर आपको ये बता दूं कि कीमत इनकी 3 लाख रुपया बताई जा रही है, उनमें से कई लोगों के मोबाइल जो वापस दिए जा रहे हैं। मैं और भी यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, उनसे भी पूछना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? सोनू बड़ियाल। सोनू जी, क्या कहेंगे, कब मोबाइल चोरी हुआ था आपका? सर लगभग 20 दिन हो गए थे फ़ोन चोरी किया हुआ, तो हमने साथ में ये एप्लीकेशन दे के SPI पहले गए SHO ऑफिस के पास, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि EMI नंबर दे के इन्होंने कॉन्फ्रेंस पे लगा दिया। कोई लगभग 2 या 3 दिन के बाद इन्होंने कॉल किया तो हमारा फ़ोन मिल गया। क्या कहना चाहेंगे पुलिस के बारे में? सर बहुत ही बढ़िया सर्विस करी है इस समय लोगों के, आप देख रहे हो कि कितने मोबाइल लिए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा इस समय जो पुलिस के द्वारा सिस्टम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया सर। और भी लोग यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन, आपका मोबाइल चोरी हुआ था? हाँ सर। कब हुआ था ये? ये हुआ था 2 महीने पहले। मोबाइल क्या कीमत थी मोबाइल की? 14,000। 14,000 का मोबाइल। देखिए ये मोबाइल इन्हें लोगों को वापस दिया जा रहे हैं। देखिए कोई 14,000 का मोबाइल था, कोई 30,000 का मोबाइल था। पूरी कीमत की अगर मैं बात करूं तो 3 लाख रुपया इन मोबाइलों की कीमत बताई जा रही है। 25 के करीब ये मोबाइल है, 2-2 महीने, 15-15 दिन और 1-1 महीना पहले ये मोबाइल चोरी हुआ था। देखिए चोरी होती है तो लोग कहते हैं कि पुलिस पकड़ नहीं रही है, लेकिन टाइम लगता है, वक्त लगता है, और वक्त के बाद ही ये सारी चीज़ें जो ट्रेस की जाती हैं उसके बाद उन लोगों को वापस की जाती हैं, और उन लोगों को ये वापस दी जा रही है। मैं फिर ये बता दूं आपको कि ये देखिए सामने, ये देखिए ये सभी वो लोग हैं जिनके मोबाइल चोरी हुए थे। मैं फिर ये बता दूं कि 25 के करीब ये मोबाइल थे और जिनकी कीमत 3 लाख रुपया बताई जा रही है। मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि पुलिस द्वारा कई बार पशु तस्करों पर, चोरों पर और इन लुटेरों पर शिकंजा पुलिस की ओर से कसता जा रहा है, और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। 25 के करीब मोबाइल बरामद करना, फिर उन लोगों को वापस लौटाना, सबसे बढ़िया ये सराहनीय काम जिस उधमपुर पुलिस की मैं अगर बात करूं तो सराहनीय काम किया जा रहा है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।